बहुत अच्छी थी। अंशुल खन्ना की एक्टिंग पूरी मूवी एक्टिंग पे ही अच्छी थी, ज़बरदस्त मूवी है, बहुत अच्छी एक्टिंग है। इस मूवी में बोला जाता है कि कंटेंट अच्छा है, कंटेंट बहुत ही अच्छा है, बहुत ज़बरदस्त है, डायरेक्शन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी, मतलब इट्स अ कंप्लीट मूवी यू कैन से, सब कुछ अच्छा है। आयुष्मान का काम बहुत अच्छा, आयुष्मान एंड भूमि इज आल्सो डन वेरी गुड। आउट ऑफ 5 कितने स्टार्स? 4 स्टार। और सपोर्टिंग कास्ट जो कास्ट है उसने बहुत जबरदस्त मतलब सपोर्ट किया। हाँ, सारे कास्ट बहुत अच्छे हैं, जो भी जो सपोर्टिंग कास्ट है, फ्रेंड्स है, उनके पेरेंट्स है, सब सब ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, बहुत अच्छा। मूवी इंटरेस्टिंग है, जिस मिडिल क्लास यू नो अनराइज के प्रोडक्शन हाउस से बहुत ही ऐसी फिल्में आ रही है जो मिडिल क्लास को बहुत अच्छा रिप्लीट करती है, और उन्होंने बहुत इंटरेस्टिंगली एक टॉपिक जो कोई बात नहीं करना चाहता है उस टॉपिक को इतने अच्छे से पिरोया है, एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। हैट्स ऑफ टू द डायरेक्टर। आयुष्मान इज़ अ वेरी गुड एक्टर, वो किसी के साथ भी केमिस्ट्री सेट कर सकते हैं, एंड भूमि के साथ उनकी पहले भी हम केमिस्ट्री देख चुके हैं, तो इट इज़ अ चेरी ऑन द केक। अगेन बहुत प्यारी सी केमिस्ट्री है। सॉन्ग यू नो ऐसे ज़्यादा रिजल्ट नहीं होता, स्टोरी इतनी इंटरेस्टिंग है, पंचलाइन इतनी इंटरेस्टिंग है कि मज़ा आ जाता है, पूरे 2 घंटे कैसे बीत जाते पता नहीं चलता। ओके, मूवी तो अच्छी थी, आई मीन मज़ा आया देखने में, मेरी इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी टू बी वेरी ऑनेस्ट कि मूवी में मज़ा आएगा। मेरे को डाउट था कि शायद मेरे को वापस जाना पड़े आधी मूवी से, सो जाऊँ शायद, टाइम भी थोड़ा इतना बेस्ट टाइम नहीं है, शाम सुबह का टाइम है यार, तो मूवी अच्छी थी यार, बहुत ही एक अच्छा कनेक्शन नज़र आता है, और यू नो आफ्टर अ पॉइंट फेस से मैटर नहीं करता, दोनों की कनेक्शन क्या है, केमिस्ट्री क्या है, हाउ आर दे रिलेटेड टू ईच अदर, वो देख के यू नो पीपल एज एन ऑडियंस गेट कनेक्टेड टू द फिल्म एंड स्टोरी, दैट्स व्हाट आई थिंक।